हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं चॉकलेट सिरप या चॉकलेट सॉस जो है वो घर पे बनाती हूँ नेचुरल स्वीटनर यानी जैगरी का इस्तेमाल करके। और मैंने आपसे पूछा था इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द रेसिपी तो डू लेट मी नो। सो आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस, अ लॉट ऑफ यू वांटेड मी टू शेयर द रेसिपी ऑफ दिस होम मेड चॉकलेट सॉस और सिरप। तो आज मैं आपके लिए वही लेकर आई हूँ। चलिए हेल्दी चॉकलेट सॉस या सिरप जिसे मैंने घर पर बनाया उसकी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए अनस्वीटन कोको पाउडर हम लेंगे। तो 4 टेबलस्पून मैंने लिया है। एक अच्छे ब्रांड का आप इस्तेमाल करें, मैं यहाँ पर हर्शीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी अच्छा ब्रांड ले सकते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने ये लिया है। पानी हम लेंगे 1 कप, और उसके अलावा आप थोड़ा सा और ले सकते हैं, 1.2 कप्स आप इसे कह सकते हैं। आप 1.5 कप तक इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल सॉस वाली कंसिस्टेंसी चाहिए, चॉकलेट सॉस वाली, तो आप 1 ही कप इस्तेमाल करें, उसके ऊपर आप ऐड करते जाएं जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, थिन या फिर थिक। जैगरी पाउडर मैंने 1/2 कप लिया है, ये ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर है। थोड़े से फ्लेवर के लिए और स्मेल के लिए वेनिला एक्सट्रैक्ट की ड्रॉप्स हम इस्तेमाल करेंगे। थिकनेस देने के लिए मैंने यहाँ पर राइस फ्लावर इस्तेमाल किया है। कई लोग इसके अंदर मैदा या फिर कॉर्न फ्लावर यूज़ करते हैं, बट राइस फ्लावर जो है वो उसका एक हेल्दी और एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। 1 टेबलस्पून हम लेंगे। और डार्क चॉकलेट चिप्स हम ले रहे हैं 2 टेबलस्पून। आप ब्रिक्स ले सकते हैं डार्क चॉकलेट चिप्स की मार्केट से, और ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा अमाउंट लेना है बस। ये रिचनेस प्रोवाइड करेगा, ये ऑथेंटिक टेस्ट देगा चॉकलेट का, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल कोकोआ बटर होता है, और वो कोको बटर जो होता है वो एक्चुअल में फ्लेवर देता है, खुशबू देता है हमारे चॉकलेट सॉस को। हम इसके अंदर यूजुअली लोग इसे दूध से बनाते हैं, कई लोग क्रीम से बनाते हैं, कई लोग इसके अंदर बहुत सारा बटर डालते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो उस वजह से कैलोरी में भी ये कम होगा, गिल्ट फ्री होगा, कैलोरी में कम होगा, रिफाइंड शुगर वाला नहीं होगा। पिंच ऑफ सॉल्ट मैं इसमें ऐड करूँगी सारे फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए। इसका कुकिंग टाइम है लेस देन 10 मिनट्स। तो ये थे उसके इंग्रेडिएंट्स। इसे बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 कप शुरू में पानी ऐड करके गैस पर रख दिया है। अब एक मिक्सिंग बोल के अंदर मैंने अनस्वीटन कोको पाउडर, चावल का आटा, रॉक सॉल्ट और डार्क चॉको चिप्स ऐड कर दिए हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी पर लेकर आएंगे। यू कैन ऐड सम एक्स्ट्रा वार्म वाटर। तो हमें वार्म वाटर में ये मिक्सचर तैयार करना है। ठंडे पानी में या उबलते हुए पानी में अगर आप अपने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे तो लम्स बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मेक श्योर कि वाटर जो आप ऐड करें वो वार्म हो, हॉट नहीं होना चाहिए। तो ये एक लम्प फ्री कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी। इसका रीज़न ये भी है कि हमने चॉकलेट चिप्स ऐड किए हैं। चॉकलेट चिप्स ना तो मेल्ट होते हैं ठंडे पानी में, और ना ही वो मेल्ट होते हैं बहुत गर्म पानी में। अब हम फिर से उस पैन की तरफ जाएंगे और उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। पैन में पानी ऐड करने के बाद अब मैं उसके अंदर जैगरी पाउडर डालकर जैगरी को मेल्ट करूंगी। साथ ही मैंने वहां पर जो वेनिला एक्सट्रैक्ट की ड्रॉप्स थी वो भी ऐड कर दी हैं पैन के अंदर। गर्मियों में क्या होता है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। आप आइसक्रीम्स खा रहे हैं, पुडिंग्स खा रहे हैं, पैनकेक्स खा रहे हैं, या कई बार शेक्स एंड स्मूदीज में भी बच्चे इसे ऐड करने को मांगते हैं। तो आप इसे घर में इस तरह बनाकर रखेंगे तो आपको भी गिल्ट फीलिंग नहीं होगी कि आप बच्चों को कुछ अनहेल्दी दे रहे हैं, और जब आप खुद इसे कंज्यूम करेंगे तो आपको भी गिल्ट फीलिंग नहीं होगी, बिकॉज आपने इसके अंदर प्योर नेचुरल घर के
जाने माने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं। पैन की हीट को हमें रिड्यूस कर देना है और उसके बाद हमारा जो प्रिपेयर्ड मिक्सचर था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। इसे ऐड करने के बाद हमें कॉन्स्टेंटली स्टर करना है ताकि बॉटम से कुछ भी ना चिपके। तो स्टरिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लो हीट पे अब हमें इस मिक्सचर को 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। सो देखिए ये ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा थिक होने लगा है और जब हम इसे रखेंगे तो ये और थोड़ा थिक हो जाएगा। मैंने ये सिरप की कंसिस्टेंसी का रखा है, हल्का सा थिक है तब भी, लेकिन अगर आप सॉस चाहें तो एज आई सेड कि आप इसे और थिक कर सकते हैं। ये बनकर तैयार हो गया है। इसे कम्प्लीटली हमें ठंडा करना है बिफोर वी ट्रांसफर इनटू अ जार, और आपका जार भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आप उसे स्टरलाइज कर सकते हैं, बिकॉज क्लीन होगा तो ज़्यादा देर तक रहेगा। आप इसे 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज के अंदर रख के। सो गो अहेड एड दिस हेल्दी चॉकलेट सिरप टू योर शेक्स, स्मूदीज। आप आइसक्रीम घर की बनी हुई उनके ऊपर इसे डाल सकते हैं। अगर मैं हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो कोकोवा इज़ वेरी गुड। इसके अंदर थियोब्रामाइन होता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए, बोन स्ट्रेंथ के लिए, वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जागरी हमने यूज़ की है जो एम्प्टी शुगर नहीं होती, उसके अंदर आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक आपको मिलता है, वो आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो आई होप आपको ये बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, जल्दी बनने वाला सॉस और सिरप जो है पसंद आया होगा। आप इसे ट्राई करेंगे, ट्राई करते हैं तो आप अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन। आप इसकी पिक्चर लेके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल। आप इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए रेसिपी की और बाकी इसकी टेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस रेसिपी का लिंक मैं जल्दी अपडेट कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय। तो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक आप मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इस रेसिपी की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन और इसकी टेक्स्ट रेसिपी इन इंग्लिश आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी। लिंक विल बी अपडेटेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक very soon. Until next time, you take care.